नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रेडिक्शन भजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ CSA T20 चैलेंज 2021 के 13वें मैच की प्रेडिक्शन के बारे में, जो वॉरियर्स और नाइट्स के बीच में होने वाला है। दोस्तों ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम को 6 बजे से स्टार्ट होगा। 25 फरवरी 2021 को डर्बन स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम स्टेडियम, पिच रिपोर्ट, वेदर, हेड टू हेड और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से इन दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे। साथ में दोस्तों मैं मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन भी आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आप इस मैच की एक्यूरेट प्रेडिक्शन लेना चाहते हो तो अभिषेक भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इनका काम काफी बेटर है, ये आपको मैच, ठोस सेशन की एक्यूरेट प्रेडिक्शन देंगे। इनके व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं हम इन दोनों टीमों के बारे में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं वॉरियर्स के बारे में। ये अपना लास्ट मैच 43 रन से हार कर आ रही है और इनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम है। गिहान केलाइटे, जे स्टम्प्स, स्टम्बर्ग, कोइसले, विहान लुम्बे, मार्को जॉनसन, लिसोबेनॉफे, एच बेल गोमेन इनके बैट्समैन है। एनरिज नॉर्थ, मिस्टी अन्नबे इनके ऑलराउंडर प्लेयर है। निजो मैक्स, ट्रस्टन स्टेबेंस इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। इस सीजन में इन्होंने अभी तक 4 मैच खेले, 1 मैच में जीत दर्ज किए, 3 मैचों में इनको हार झेलनी पड़ी है। पॉइंट टेबल में टॉप 4 पर इनका स्थान है। दोस्तों बात करते हैं नाइट्स के बारे में। ये अपना पिछला मैच 7 विकेट से हार कर आ रहे हैं और इनके एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम है। पैट्रिक कलर, कैक्सन रिवन, रेनवर्ड वेगर, व्हाइट वैन, फ्रियान फ्रेडरिक, ग्रांट मकोने इनके बैट्समैन है। विल्डन कुवित, रिस्को एडम्स इनके ऑलराउंडर प्लेयर है। गोल्डर कोरेटेज, एल्फिन मथुआ, सोन बॉर्न वर्ग इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। अपना लास्ट मैच ये हार कर आ रहे हैं। इस सीजन में इन्होंने अभी तक 4 मैच खेले, 1 मैच में जीत दर्ज किए, 3 मैचों में इनको हार झेलनी पड़ी है। पॉइंट टेबल में सबसे लास्ट में 6 नंबर पर इनका स्थान है। दोस्तों इनका रन रेट भी काफी माइनस में है और वॉरियर्स का रन रेट काफी प्लस में है। दोस्तों अगर बात करें वॉरियर्स के पिछले मैच के परफॉर्मेंस के बारे में, बैटिंग में मिस्टी अन्नबे ने 35 रन की अच्छी पारी खेली थी और ट्रिस्टन स्टेबेंस ने भी 43 रन की पारी खेली थी। दोस्तों मिस्टी अन्नबे ने बॉलिंग में 4 विकेट भी लिए थे और मार्को जॉनसन ने भी 2 विकेट लिए थे। अगर दोस्तों बात करें नाइट्स के परफॉर्मेंस के बारे में, किसी भी खिलाड़ी के द्वारा खास प्रदर्शन नहीं हुआ था। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में अभी तक टोटल ओवरऑल 28 मैच खेले गए, जिनमें से वॉरियर्स ने 13 मैचों में जीत दर्ज किए और नाइट्स ने 15 मैच जीते हैं। वॉरियर्स का 205 रन का हाईएस्ट स्कोर है नाइट्स के खिलाफ और नाइट्स का 171 रन का हाईएस्ट स्कोर है वॉरियर्स के खिलाफ। वॉरियर्स का 2 रन का लोएस्ट स्कोर है नाइट्स के खिलाफ और नाइट्स का 65 रन का लोएस्ट स्कोर है वॉरियर्स के खिलाफ। वॉरियर्स ने 8 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं और 5 मैच बाद में बैटिंग करते हुए जीते हैं और नाइट्स ने 6 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं और 9 मैच बाद में बैटिंग करते हुए जीते हैं। दोस्तों ये मैच सारा क्रिकेट स्टेडियम दूरबीन में होने वाला है। यहाँ पर मीडियम साइज के तेज गेंदबाजों को ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर अभी तक टोटल ओवरऑल 20 मैच खेले गए, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 10 मैचों में जीत दर्ज की और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने भी 10 मैचों में जीत दर्ज की है। दोस्तों यहाँ का एवरेज स्कोर 164 रन है, यहाँ का हाईएस्ट स्कोर 218 रन पर 4 विकेट है और यहाँ का लोएस्ट स्कोर 73 रन पर 10 विकेट का है। दोस्तों इसी स्टेडियम में जो भी टीम ठो जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में यहाँ पर 4 मैच हो चुके हैं, जिनमें से दोनों टीमों ने 2-2 मैच जीते हैं। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में पिछले साल 2 मैच हुए थे, जिनमें से दोनों टीमों ने 1-1 मैच जीता था। दोस्तों बात करते हैं मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के बारे में। दोस्तों आपको पता है वॉरियर्स अपना लास्ट मैच जीत कर आ रही है और नाइट्स अपना लास्ट मैच हार कर आ रही है और दोनों टीमों ने इस सीजन में 3-3 मैच हारे हैं। दोस्तों मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के अनुसार इस मैच को वॉरियर्स जीत सकती है। दोस्तों आपकी पर्सनल प्रेडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों आपको पता है क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों आप इस मैच की एक्यूरेट प्रेडिक्शन लेना चाहते हो तो अभिषेक भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उनके नंबर मैंने आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां पर मैं क्रिकेट से रिलेटेड हर खबर सबसे पहले देता हूं। साथ में दोस्तों बिग बैश लीग, IPL, PSL और सुपर स्मैश की सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। साथ में दोस्तों मैं कभी मेरी प्रेडिक्शन चेंज करनी पड़ती है तो मैं वहां पर ही बताता हूं और दोस्तों कभी कभी मैं वहां पर ड्रीम 11 टीम भी देता रहता हूं। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। दोस्तों आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।